आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सब बाई नो पेल्ट्रा अकाउंट लेके रखे हो या अकाउंट बना के रखे हो या अगर आपको कुछ उसमें लिमिट मिला है तभी आप सबको उसमें बहुत बड़ा अपडेट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। सो गाइस सबसे पहले आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड आज के डेट में रुपये क्रेडिट कार्ड को आरबीआई ने जब से परमिशन दिया है तभी आप यूपीआई के जरिए लिंक कर सकते हो। उसके बाद अभी हर एक बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई के जरिए लिंक होना शुरू कर दिया, आरबीआई ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। यानी सबसे पहले अभी आपको मास्टर कार्ड लिंक कर सकते हो, रुपये कर सकते हो और वीजा भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ तक क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई के जरिए लिंक करके और पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अभी आपको बता दूंगा अगर आप मार्केट में अगर आप बाई नो पेल्ट्रा अकाउंट भी बहुत सारा मार्केट में चल रहा है तो भी आप इसको बाई नो पेल्ट्रा अकाउंट को भी अभी आप अपना यूपीआई के जरिए लिंक कर सकते हो और लिंक करने के बाद पेमेंट कर सकते हो। और ये आपको बता दूं कि अभी आपसे बोले भाई बाई नो पेल्ट्रा को अभी यूपीआई से क्यों लिंक किया जा रहा है, तो गाइस बता दूं कि अभी आरबीआई का नया गाइडलाइंस आया जिसमें बताया गया है कि अभी आप कोई भी कंपनी का जैसे यहाँ पर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको बाई नो पेल्ट्रा अकाउंट मिलता है ना, तो जो बाई नो पेल्ट्रा अकाउंट होता है वो किसी न किसी बैंक के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एग्जाम्पल फॉर अगर आप मान लीजिए अगर फ्लिपकार्ट का पेल्ट्रा अकाउंट अगर आप यूज करते हो तो वो जो पेल्ट्रा अकाउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा नहीं रहता है, वो रहता है IDFC बैंक के द्वारा। यानी आपको बैंक आपको एक प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो बैंक ने ही इस तरह का अपडेट दिया है कि अगर मेरा पेल्ट्रा अकाउंट अगर कोई भी यूज करता है तो उसको एम पिन डालने का ऑप्शन देते हैं ताकि वो तो एक सिक्योर आपका अकाउंट हो जाएगा, आपके साथ कभी फ्रॉड ना होगा। और इसके अलावा अलावा अगर आप जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर पेल्ट्रा अकाउंट कोई भी बैंक जैसे आप ले लीजिएगा फ्लिपकार्ट का ले लीजिए या अमेजोन का ले लीजिए, अमेजोन में पेल्ट्रा अकाउंट मिलता है, वहां पे क्या मिलता है आप साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन में पेल्ट्रा अकाउंट मिलता है, यहाँ पे आदित्य बिरला से मिलता है, वहाँ पे जो है आपको IDFC बैंक से मिलता है और यहाँ पे अलग अलग कंपनी आपको लिमिट एक प्रोवाइड करके देता है जो कि बैंक के द्वारा टैरिफ रहता है, वहाँ पे आपको MPIN अभी डालने का ऑप्शन मिलेगा, MPIN के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इससे क्या होगा, सबसे पहले अगर आपके नाम से अगर जब क्रेडिट स्कोर चेक होता है ना तो वहाँ पे ये पता चलता है कि इस बैंक के थ्रू ये कस्टमर का इतना लोन चल रहा है, तो उससे आप सेफ हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपका लोन तो अलग अलग कंपनी के थ्रू क्रिएट हुआ था, बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। एग्जाम्पल फॉर अगर आपके नाम से IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है और पेल्ट्रा अकाउंट भी है तो अगर यही क्रेडिट स्कोर अलग अलग तरीके से आपको क्रिएट करके देगा तो फिर आपको बेकार लगेगा कि भाई साहब हमारा ही नाम से पांच अकाउंट बना कर रखा है। तो इसके लिए आप क्या किया, अगर IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड लेकर रखे हो और बाई नाउ पेल्ट्रा अकाउंट अगर आप यूज करते हो तो वहीं पे आपको मेंशन करके दे दिया जाएगा कि आपके मेरे नाम से आप क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है और आप ही के नाम से जो है एक पेल्ट्रा अकाउंट भी चल रहा है, तभी आप वहाँ पे सिक्योर रहोगे कि हाँ ठीक है IDFC बैंक जो मैं यहाँ पे पेल्ट्रा अकाउंट और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। सो अभी इस तरह का भी ना आपको पता है कि फिलहाल बहुत सारा जो RBI का नया नया अपडेट आया है जैसे कि अपना सेविंग अकाउंट अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड नहीं है किसी बैंक का तो अपने आधार कार्ड का नंबर के थ्रू आप UPI एक नया बना सकते हो। यानी बहुत सारा नया नया अपडेट करके भी दिया गया है। सो ये भी अपडेट बहुत अच्छा अपडेट करके दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये भी अपडेट अच्छा लगा होगा क्योंकि अभी आपका जो भी अकाउंट है पेल्ट्रा अकाउंट वो सेफ हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हम लोग स्कैन करते थे और जैसे पेपे के लिए करते ट्रांसफर होता था, लेकिन अगर आप अभी पेपे के लिए करो तो अभी आपसे MPIN मांगा जाएगा, तो MPIN आप बना लीजिएगा, सिर्फ आपको नाम मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना पड़ता है और जैसे आप SMS को थोड़ा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा UPI उसी तरह से क्रिएट हो जाएगा, आगे में आपका पीछे आपका मोबाइल नंबर और आगे में जो बैंक के थ्रू आपको पेल्ट्रा अकाउंट मिला है उसका @ उस बैंक का नाम आगे में लिखा रहेगा और फिर वही आपका UPI हो जाएगा, फिर आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट पर विजिट कीजिए, जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।